हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 14.3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो यहां पर हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको, फिर उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के बाद हो सकता है दो ब्रैकेट में आ जाए और उसको हमें डिवाइड करना होगा फिर वाई प्लस फाइव से। ठीक है, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पर वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस टेन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, हम जो मिडिल टर्म यानी जो बीच वाली जो टर्म है सिर्फ इसको तोड़ते हैं, बाकी जो पहली और जो लास्ट जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, इसको एज इट रहने दिया, और जो प्लस टेन लिखा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब बीच वाली जो टर्म, यहाँ पर मैं दो टर्म लिखूंगा, सेवन वाई को दो पार्ट में तोड़ के यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे करते हैं, देखिए जो वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, यहाँ पर कोफिशियंट है देखिए वन वन, और लास्ट में जो है टेन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वन और टेन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई करके कितना, टेन। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए टेन, और जिनको जोड़ने पे आना चाहिए कितना, सेवन। तो देखो टेन के चाहे तो आप पहले इसको क्या करो, प्राइम फैक्टर करके देख लो। जैसे टेन आप करेंगे ना, तो टू फाइव ज़ा टेन, फाइव वन ज़ा फाइव। तो इनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नंबर ढूंढिए, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने पर सेवन आए और मल्टीप्लाई करने पर टेन आए। तो देखो टू प्लस फाइव कितना आएगा, टू प्लस फाइव आ जाएगा हमें जो चाहिए यानी कि सेवन, और टू इंटू फाइव कितना आ जाएगा, टू इंटू फाइव आ जाएगा कितना, टेन। ठीक है, तो यही हमें चाहिए। देखिए इसमें तो हमें आसानी से मिल गए, कई बार इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेवन वाई को तोड़ देंगे क्या, टू वाई प्लस फाइव वाई। ठीक है, यहाँ मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया कि मल्टीप्लाई करके टेन आ जाएगा, और इनको जोड़ने पर यानी टू प्लस फाइव करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। इनके साथ वाई वाई मुझे यहाँ पर लिखना है, सेवन वाई की जगह क्या लिख देंगे, टू वाई प्लस फाइव वाई। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में फिलहाल कोई चेंज नहीं, क्यों, देखो टू वाई प्लस फाइव वाई करेंगे तो सेवन वाई ही आएगा, और पहला और लास्ट को तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और जो लिखा है यानी कि डिवाइड के बाद वाई प्लस फाइव लिखा है, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखो जरा इन दोनों में देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, ऐसे इन दोनों में टर्म में देखते हैं कुछ कॉमन आ सकता है। देखो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, इन दोनों में वाई कॉमन आ सकता है, तो मैं वाई को यहाँ लिख देता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर का मतलब वाई इंटू वाई था ना, एक वाई बाहर ले लिया तो एक वाई बचेगा, प्लस टू वाई था यानी टू इंटू वाई था, एक वाई बाहर ले लिया तो क्या बचा, टू। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर हमने कॉमन लिया पहली और जो दूसरी टर्म थी, इनसे क्या कॉमन आ सकता है, वाई, तो क्या बचा ब्रैकेट में, वाई प्लस टू। ऐसे ही जरा फाइव वाई और टेन में देखें कुछ कॉमन आ सकता है, देखो फाइव वाई तो है फाइव इंटू वाई, और टेन क्या है, फाइव इंटू टू, तो दोनों में फाइव छुपा हुआ है, तो हम फाइव बाहर ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो वाई फाइव वाई चाहिए तो फाइव हमने ले लिया, क्या बचेगा, वाई प्लस टेन आना चाहिए, तो टेन कैसे आएगा, फाइव इंटू टू, तो फाइव हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, टू बचा, तो टू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखना आप, हमेशा ये जो ब्रैकेट है ना सेम आने ही चाहिए, अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपने फैक्टर लेने में गलती करी है। ठीक है, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, डिवाइड के बाद जो लिखा है वाई प्लस फाइव, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो बड़े ब्रैकेट में दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट दोनों जो सेम है, जो दो ब्रैकेट जो सेम हो उसको हम लिख देंगे एक बार यानी कि वाई प्लस टू, और अगले ब्रैकेट में लिख देंगे जो ब्रैकेट से पहले, यहाँ लिखा है y और यहाँ लिखा है 5। ठीक है, तो y प्लस फाइव, हमने किया क्या, यहाँ पर हमने क्या करा, y प्लस टू को दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों टर्म से, ये पूरी टर्म है एक ये टर्म है, दोनों से y प्लस टू को बाहर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट का साइन लगाया, इसमें क्या मल्टीप्लाई था y, तो y को लिखा, इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई था 5, तो प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, डिवाइड, डिवाइड लग रहा है लगा देते हैं डिवाइड, वाई प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम ऐसे रहने देंगे, और डिवाइड के बाद ये जो है इसको हम डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, यानी कि y प्लस टू और अगला ब्रैकेट है y प्लस फाइव, इसको ऐसे रहने दिया, डिवाइड की जगह हमने ये लगा दिया अपॉन की लाइन, अपॉन y प्लस फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन माइनस का साइन कुछ होता तो नहीं कट सकते, अभी फिलहाल दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या बचा हमारा, y प्लस टू, ये जो y प्लस टू बचा यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, y प्लस टू। ठीक है, तो इस
तरह से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट सेकंड। अब देखिए पार्ट सेकंड में ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हम डिवाइड कर लें एम प्लस टू से। तो पार्ट फर्स्ट की तरह ही हम पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ देते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे और जो बीच वाली टर्म है इसको तोड़ देंगे। तो एम स्क्वायर को ऐसे लिखा माइनस 32, जो लास्ट टर्म उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब माइनस 14 चाहिए हमें तोड़ने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट यानी एम स्क्वायर का कोफिशियंट है 1 और लास्ट टर्म में क्या है माइनस 32। तो देखो 1 को माइनस 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा कितना, माइनस का 32। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर आए माइनस 14 और उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए कितना, माइनस 32। तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 32 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 14। अब यहां पर आप एक बात याद रखना, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का, तो ध्यान रखना यहां जो दो नंबर जो आएंगे वो एक प्लस का होगा और एक माइनस का। क्यों, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का आ रहा है, दोनों माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई करने प्लस का आता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो दो नंबर आएंगे एक प्लस का एक माइनस का, उनमें से भी जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि हमें माइनस का ही साइन चाहिए, ठीक है। तो देखिए 16 माइनस 2 अगर मैं लेता हूं, सपोज 16 माइनस 2 लेता हूं तो आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो इसलिए माइनस का 16 ले लो प्लस का 2 ले लो। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, 16 बड़ा है, 16 से पहले माइनस का है तो माइनस का 14, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस 14 की जगह क्या ले सकते हैं, माइनस 16m प्लस 2m, ठीक है। ये तो देखो आपको डायरेक्ट मिल गया, कई बार जब आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है ना तो आप क्या करेंगे 32 के फैक्टर करेंगे इस तरह से। देखो मैं आपको एक बार करते भी बता देता हूं, 32 मैंने लिखा यहाँ पे, 2 से इसके फैक्टर कर लिए, 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, इस तरह से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरह से इनमें हम पेयर बनाएंगे, इनमें हम पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके तो 32 आ ही जाएगा। अब देखो जैसे 2 2 जा 4 लिया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहां से 16 ले लिया और 2, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो मैंने आपको बता दिया हमें माइनस वाला बड़ा लेना है क्योंकि माइनस चाहिए, तो 16 की जगह हमने ले लिया माइनस 16 और जो दूसरा नंबर था 2 उसको ले लिया हमने प्लस में, ठीक है। इस तरह से यहां से हम जो फैक्टर बना लेते हैं, तो देखो माइनस 49 की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस 16m और प्लस का 2m, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, माइनस 16 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे बाहर, ऐसे इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इसके साथ जो लिखा हुआ डिवाइड में एम प्लस टू उसको हम साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले आ सकते हैं, देखो एक ग्रुप बन गया ये और एक ग्रुप बन गया ये, इन दोनों में से क्या करते हैं कुछ कॉमन ले सकते हैं, एम स्क्वायर का मतलब एम इंटू एम, 16m का मतलब 16 इंटू एम, दोनों से m बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, एम स्क्वायर का मतलब m इंटू एम था ना, एक m बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक m बचा, माइनस लग रहा है माइनस लगा देते हैं, 16m, एक m तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 16, ठीक है, माइनस का माइनस हमने लगा दिया। इन दोनों में से अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से सिर्फ प्लस का 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा m, m लिख दिया, माइनस 32 क्या था 2 इंटू 16, 2 बाहर हमने ले चुके हैं तो क्या बचा 16, ठीक है, 16 हमने यहाँ लिख दिया और जो आगे जो लिखा था उसको हम ऐसे ही छाप देंगे डिवाइड बाई एम प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से यानी कि एक पूरी टर्म होगी एक ये, तो इन दोनों में से m माइनस 16 कॉमन है, दो ब्रैकेट जो सेम है वो हमने बाहर ले लिया, यानी कि जो दोनों में कॉमन है ना m माइनस 16 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, देखो m माइनस 16 यहाँ पर है m, तो अगले ब्रैकेट में लिखेंगे m और यहाँ पर है 2, तो m प्लस 2 ये आगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें से और इसमें से दोनों से हमने m माइनस 16 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा m और इसको मल्टीप्लाई था प्लस 2, तो प्लस 2 हमने यहाँ लिख दिया, और जो इसके आगे जो लिखा होता है डिवाइड एम प्लस टू, तो हम वहां लिख देंगे डिवाइड एम प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो इक्वल टू एम माइनस 16 और आगे एम प्लस टू और डिवाइड में यानी कि अपॉन में एम प्लस टू, ठीक है। ये दो ब्रैकेट जो सेम आ गए ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा एम माइनस 16, तो यही हमारा आंसर भी आ गया यानी कि एम माइनस 16, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें इस एक्सप्रेशन को पी माइनस वन से डिवाइड करना है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को ठीक से देखा जाए तो देखिए तीनों टर्म में 5 कॉमन आ सकता है बाहर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले तीनों से 5 कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो 5 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचेगा पी स्क्वायर
माइनस 25 क्या है, 5 इंटू फाइव, एक 5 हमने बाहर ले लिया तो एक 5 बचा, यानी 5 और p, प्लस ये 20 क्या है, 20 क्या है, 5 इंटू 4, 5 4 जो 20 होता है ना, तो यहाँ बचा सिर्फ 4, ठीक है। इस तरह से हमने इसको पहले ऐसे तोड़ दिया और डिवाइड है इसके बाद में p माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को तो ऐसे ही लेके चलेंगे और इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 को हमने ऐसे ही लिखा और ब्रैकेट में देखो फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर को हमने ऐसे ही रहने देंगे और लास्ट टर्म में जो 4 है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब माइनस 5 आना चाहिए जोड़ने पर, यहाँ पर पी स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ देते हैं, तो पी स्क्वायर का कोफिशियंट है 1 और नंबर है लास्ट में 4, तो देखो 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना 4, ठीक है, और जोड़ने पर आना चाहिए कितना माइनस का 5, तो देखो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 4, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है 4 प्लस 1, 4 वन जा 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 वन जा 4 आएगा और जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना माइनस का 5, तो एक काम करते हैं दोनों ही माइनस के ले लेते हैं, माइनस का 4 ले लो और माइनस का 1 ले लेते हैं, तो माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, वही चाहिए हमें, और माइनस 4 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4, हमें प्लस का ही चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे माइनस 5 की जगह हम लिख देंगे माइनस का 4p और माइनस का 1p, 1p या सिर्फ p लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है, प्लस का 4 लिखा तो प्लस का 4 हम लिख देंगे, डिवाइड के बाद जो लिखा उसको एज इट रहने देंगे p माइनस 1, ठीक है। 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे, 5 बाहर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पेयर से और इस पेयर से कुछ कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 4p से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं p, ठीक है, p लिखा ब्रैकेट लगा दिया, पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी था, पी हमने बाहर ले लिया तो बचा पी, माइनस 4p का मतलब 4 इंटू पी, एक पी हमने बाहर ले लिया क्या बचा सिर्फ 4 बचा, ठीक है। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए पहले ही माइनस है तो एक काम करते हैं हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, और कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तो 1, तो माइनस का 1। अब आपको ध्यान रखना है जब हमने किसी पेयर से माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, माइनस का पी था बचा क्या प्लस का पी, ठीक है, क्योंकि 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस का 4 था बचा माइनस का 4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया, डिवाइड का डिवाइड के बाद जो लिखा वो हमने यहाँ पे ऐसे ही छाप दिया, ठीक है। अब देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, आने ही चाहिए नहीं तो आंसर गड़बड़ाएगा, ठीक है, दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, तो जो दो ब्रैकेट सेम है उसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, यानी कि p माइनस 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लग रहा है ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या बचा, पहले बचा हमारा p, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ p मल्टीप्लाई है तो p बचा माइनस 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें माइनस का, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है डिवाइड में p माइनस 1 वो हमने ऐसे ही लिख दिया, अब क्या करेंगे डिवाइड का है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5p माइनस 4 अगले ब्रैकेट में p माइनस 1 और डिवाइड का मतलब अपॉन में p माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, क्या बचा 5p माइनस 4, तो यही हमारा आंसर भी आ गया 5 ब्रैकेट में p माइनस 4, ठीक है। इस तरह से पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, अब करते हैं पार्ट फोर्थ, ठीक है। पार्ट फोर्थ में देखें तो देखिए डिवाइड से पहले ये ब्रैकेट तो है ही है, उसके साथ 4yz भी मल्टीप्लाई में, तो एक काम करते हैं 4yz को हम इसके साथ ऐसे ही रहने देते हैं 4yz मल्टीप्लाई में और इस ब्रैकेट को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐसे ही रहने देंगे, जेड स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है हमारी माइनस की 16, ठीक है। अब बीच वाले जो टर्म है मिडिल टर्म को तोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म है माइनस 16, तो 1 और माइनस 16 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 16। ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 16 और जिनको जोड़ने पे आना चाहिए कितना प्लस का 6z, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई हमारे यहाँ जो दो नंबर लिखेंगे उसमें एक प्लस का होगा एक माइनस का, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आना चाहिए और यहाँ जो जोड़ने पे आना चाहिए प्लस का, तो प्लस का ही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 16 के दो फैक्टर हम ऐसे कर लेते हैं कि 8 इंटू 2, 8 2 जा कितना होगा 16 होगा और हमें यहाँ प्लस का चाहिए तो प्लस का 8 ले लेंगे और माइनस का 2, क्यों, क्योंकि देखिए 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और हमें 6 ही चाहिए, ठीक है। तो 8 इंटू 2 ले लेंगे, यानी कि प्लस का 8 और 2 जो लेंगे माइनस का लेंगे, ठीक है। 8 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो देखिए 6z की जगह हम क्या ले लेंगे, प्लस का 8z और माइनस का 2z, ठीक है।
8z में से 2z को घटाएंगे तो 6z आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, वही हमें चाहिए। तो डिवाइड के बाद है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, डिवाइड 2y ब्रैकेट में z प्लस 8, ठीक है। अब देखिए 4yz जो लिखा है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू 4yz, और इसको हम तोड़ देंगे, यानी कि यहां से हमने इस पेयर में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाए थे पहले, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, z कॉमन आ जाएगा, z ले लिया, ठीक है। यहाँ z स्क्वायर का मतलब z इंटू z, तो एक z हमने बाहर ले लिया तो बचा z, प्लस 8z का मतलब 8 इंटू z, z बाहर ले लिया क्या बचा, 8 बचा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। इन दोनों में देखिए माइनस तो दोनों में कॉमन है, और देखिए 2 कॉमन है, 2z का मतलब 2 इंटू z, 16 का मतलब 2 इंटू 8, तो दोनों में 2 कॉमन है और माइनस भी, तो माइनस ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है, लगा दिया हमने ब्रैकेट, क्या बचा, यहाँ बचा z, और 16 की जगह देखो माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ आएगा प्लस का, ठीक है, 16 का मतलब 2 इंटू 8 था, 2 बाहर ले चुके तो बचा यहाँ पर 8, ठीक है। जो बाद में लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट था तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, डिवाइड 2yz प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के बाद उसको हम नीचे ले आएंगे, यानी कि इक्वल टू में क्या बचेगा, 4yz, और यहाँ देखो जो दो ब्रैकेट सेम आ गए कॉमन ले लेते हैं, यानी कि z प्लस 8, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो इन दोनों ब्रैकेट के साथ जो मल्टीप्लाई, यानी कि z z लिख दिया, इस ब्रैकेट के साथ माइनस 2 था, माइनस 2 भी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और तो जो हम बचा नहीं, डिवाइड के बाद जो लिखा है उसको हम अपॉन में ले जाएंगे, यानी कि 2y और z प्लस 8, ठीक है, जो दो ब्रैकेट सेम है z प्लस 8 काट देते हैं, और 2y, देखो एक y से तो ये y कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो बचा वही हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए एक तो बचा 2 और ये z, तो 2z, और आगे ये ब्रैकेट तो कैंसिल आउट हो गया था, बचा z माइनस 2, तो ब्रैकेट में z माइनस 2, ठीक है। इस तरह से फोर्थ का पार्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने पार्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।